एक्सेस माई इंडिया का ये पोल, और इस पोल में साफ तौर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश की अगर सबसे पहले बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं जिसमें 46 फीसदी वोट परसेंटेज बीजेपी को हासिल हुआ है, 36 फीसदी समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 12 फीसदी, कांग्रेस और अन्य को 3-3 फीसदी। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो यह भी बेहद दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी पार्टियों का यहां पर पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी को थोड़ी बहुत वोट परसेंटेज हासिल हुआ लेकिन कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी हार की ओर इशारा कर रहा है। कुल सीटें 403 जिसमें 288 से 326 सीटों का अनुमान बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी प्लस गठबंधन के लिए 71 से 101 सीटें, बीएसपी के लिए 3 से 9 सीटें, वहीं कांग्रेस और अन्य के लिए लगभग 1 से 3 सीटें यहां पर दिखाई देती हुई। और ये जो दरअसल पोल किया गया है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का, इसमें साफ हो रहा है कि कैसे जो तमाम दावे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से किए गए थे वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिहाज से फेल दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। 45 फीसदी यहां पर लोगों का ये मानना है कि वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। 35 फीसदी की चॉइस अखिलेश यादव हैं, 12 फीसदी की चॉइस मायावती हैं, प्रियंका गांधी को सिर्फ 1 फीसदी वोट हासिल हुए जबकि जयंत चौधरी भी उन्हीं के बराबर दिखाई दे रहे हैं।